ग्वालियर में नौकरी दिलाने की एवज में सेक्स की डिमांड करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संजीव ने नौकरी दिलाने के नाम पर 3 छात्राओं से एक रात बिताने की बात कही थी। इस मामले में रीवा निवासी छात्रा ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच से शिकायत की थी। प्रदेश के 200 थानों के अंतर्गत आ रहे 500 से ज्यादा गांवों की सीमा जल्द बदल दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद सभी पुलिस अधीक्षकों ने इसका खाका तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए एक और चीता की मौत हो गई है। इसका नाम शौर्य बताया गया है। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी अवमानना मामला, आज 9 अधिकारियों के आवेदन पर होगी बहस। चित्रकूट का अयोध्या की तरह होगा विकास। श्रीराम भगवान पथ गमन न्यास की बैठक संपन्न। सीएम ने कहा कि चित्रकूट सहित श्रीराम वन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों का विकास किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की मंशा उस स्थान पर मंदिर बनाने की नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की रही। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर तेंदुए के मूवमेंट से सॉफ्टवेयर कंपनियों में दहशत का माहौल बन गया है। मामले में 2 इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कर्मचारियों के समय में बदलाव किया है। सागर के ग्राम पिडरुआ में युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने भाई बहन को गिरफ्तार किया है। आरोपी बहन ने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए भाई के साथ मिलकर हत्या की थी। एमपी में कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक। पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और यूट्यूब पर केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।